झामुमो ने आयोजित किया वनभोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह। काफी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल, कई लोगों ने थामा झामुमो का दामन। सिमरिया में झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रखंड के उद्यान पब्लिक स्कूल में रविवार को वनभोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ता एक दूसरे से मिले और नववर्ष की बधाई दी। सम्मेलन का नेतृत्व सिमरिया विधानसभा प्रभारी मनोज कुमार चंद्र ने किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और वनभोज का भी जमकर लुत्फ उठाया। मौके पर विधानसभा प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं को हरे रंग का अंग देकर सम्मानित किया और पार्टी के पक्ष में एकजुट रहने का संकल्प दिलाया। सम्मेलन में दर्जनों नए कार्यकर्ताओं को झामुमो की सदस्यता दिलाई गई। विधानसभा प्रभारी ने बताया कि नववर्ष के मौके पर कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का मौका नहीं मिल सका था। ऐसे में वनभोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर सभी को एकत्र किया गया ताकि सभी सदस्यों में प्रेम भाव बना रहे और लोग पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहे। उन्होंने सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के एकत्रित होने पर आभार जताया और नववर्ष पर उनके सुखमय जीवन की कामना की। उद्देश्य है, अच्छा उद्देश्य है। नववर्ष के मौके पर हमारे पूरे सिमरिया विधानसभा के सभी हमारे झारखंड मुक्त पूर्चा परिवार के सभी साथी और मेरे अभिभावक और नौजवान साथी जो हमारे साथ चलना चाहते हैं पूरे सिमरिया विधानसभा में, हम लोग आज एक साथ बैठे हैं और हम लोग आज वनभोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके माध्यम से सिमरिया विधानसभा में एक एकजुटता कायम कर रहे हैं ताकि सिमरिया विधानसभा को बेहतर दिशा में लिया जाए। दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए? बिल्कुल, दूसरे पार्टी के हमारे सब अब लोग अपने ही लोग हैं, लेकिन वो कहीं थे, आज हमारे साथ आ गए हैं, हम और मौजूद हुए हैं। उनको हम आभार करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आए हैं और हम लोग मिलजुल कर सिमरिया विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या आग्रह? उनको स्वागत है, उनका अभिनंदन है और इस कार्यक्रम के बाद हम लोग और भी बेहतर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और सभी लोग, बहुत लोग आने के इच्छुक हैं। आज तो बहुत लोग को हम लोग नहीं बुला सके, झारखंड मुक्त मोर्चा परिवार का एक वनभोज कार्यक्रम था, इसमें जितने भी लोग आए उनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है? लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से है और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चतरा जिला के बारे में सोच रही है, चतरा लोकसभा के बारे में, स्थानीय के बारे में सोच रही है, तो हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर पाते हैं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन तैयार है, हम लोग की पूरी है।